नहीं चलता कि कब क्या करेगा। क्या कहा साहब, ऑफिस से निकल चुके? ओ वाओ, आवाज क्यों बंद हो गया? चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। तुमको तो खेलने का वास्ते खिलौना मांगता है ना, खेलो उस बेचारे का साथ में। ये लो, आजकल लगता है किसी को और कोई काम ही नहीं है, बस मधु को ढूंढो और शुरू हो जाओ लेक्चर देने के लिए। तुमको कितना भी लेक्चर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम्हारा भेजा का अंदर भूसा भरा है। हाँ हाँ, मेरे दिमाग में तो भूसा है, कचरा है। खुश हो गए तसल्ली? हमको तसल्ली से क्या होगा, तुम अपना फिक्र करो। सारा घर वालों को झूठा बना दिया, जिस बीमारी का नाम लेते हुए दुनिया वाला डरता है उस बीमारी का झूठा बहाना बनाए। पता नहीं हम क्या सोचकर चुप हो जाता है, वरना हम विशाल को सब कुछ बता देता। क्या बता देती? यही कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ठीक है बता दो, मैं खुद ही बता दूंगी कि मैं झूठ बोल रही थी। मुझे भी यही शक था। तो तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ सब कुछ सुन लिया मैंने। देखो बेटा, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, ये सारा सुरूर सुरूर नहीं नैनी, कुसूर। हाँ हाँ, बात तो समझ में आ गया ना, ये झूठ बोल कर... मुझे मालूम है नैनी, इसी ने झूठ बोलकर फोन किया और मुझे घर बुलवा लिया। ओह, तो तुमने सिर्फ इतनी सी बात सुनी? इतनी सी बात? ये कितनी सी बात है कि तुमने तबीयत खराब होने का बहाना किया, मैं सब काम छोड़ गया, भागा चला। इंटरवल के बाद आया है, पूरा स्टोरी तो सुनाई दी जी। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। मधु प्लीज ऐसे झूठ मत बोला करो, भगवान से डरो। बिल्कुल ठीक बोला, गॉड से डरो, समझा? क्यों, क्या पाप किया मैंने? यही हर वक्त बीमारी का बहाना करना। भगवान ना करे कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। ओफो, तुम्हें वापस ऑफिस जाना है तो जाओ। ओके बाबा ओके, अब जाने का मन नहीं है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग कहीं घूमने चलें?
है तू साथिया।